गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जीएनडी यूनिवर्सिटी अमृतसर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर रिजल्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू मास्टर्स ऑफ आर्ट इन साइकोलॉजी। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी का, तो उसका रिज़ल्ट आ गया है। तो ये सबसे पहले है क्वालिफाइड मेरिट वाइज, तो जितने भी कैंडिडेट्स के नाम अभी आपकी स्क्रीन पे आएंगे वो सभी ने क्वालिफाई कर लिया है। सबसे पहले सीरियल नंबर दिया गया, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद स्टूडेंट आईडी, उसके बाद स्टूडेंट नेम, उसके बाद जेंडर, उसके बाद फादर नेम। तो सीरियल नंबर 1 से लेकर 10th तक आपकी स्क्रीन पे, उसके बाद सीरियल नंबर 11 से लेकर 20 तक आपकी स्क्रीन पे, ये सभी स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद 21 से 24 तक, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो सीरियल नंबर 25 से लेकर 35 तक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो एकदम स्लो है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप आराम से वीडियो पॉज कर करके भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद सीरियल नंबर 36 से लेकर 46 तक आपकी स्क्रीन पे, उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद सीरियल नंबर 47 से लेकर 55 तक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये सभी स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, सीरियल नंबर 56 से लेकर 62 तक, तो टोटल 62 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर चुके हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी के लिए। उसके बाद नीचे नॉट क्वालिफाइड, तो जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनकी लिस्ट है सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 8 तक आपकी स्क्रीन पे, उसके बाद सीरियल नंबर 9 से लेकर सीरियल नंबर 16 तक आपकी स्क्रीन पे। तो ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके बाद नीचे आपको काउंसलिंग शेड्यूल दिया गया है, तो जो काउंसलिंग की डेट है वो है 26/7/2023, 26 जुलाई 2023 को होगा, और जो टाइमिंग है वो है सबसे पहले 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, सीरियल नंबर 1235, रिपोर्टिंग टाइम इन डिपार्टमेंट 9 AM। उसके बाद उसी दिन ही टाइमिंग 2 PM to 4:30 PM, सीरियल नंबर 36 से लेकर 62 तक, रिपोर्टिंग टाइम 1 PM। उसके बाद जो वेन्यू है काउंसलिंग की लोकेशन है वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। उसके बाद नीचे आपको इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, जितने भी कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई कर लिया है वो सभी अपने सर्टिफिकेट और जो डॉक्यूमेंट हैं वो ओरिजिनल लेके आएंगे, और साथ में सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज और साथ में हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट करवा कर वेबसाइट से। उसके बाद सबसे पहले आपने सर्टिफिकेट्स आपके लेके आने हैं 10th का, जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, उसके बाद डिटेल मार्क्स, कार्ड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, अपने प्रिंसिपल से जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपने लास्ट अटेंड की होगी, उसके बाद आपने 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेके आनी है अटेस्टेड करवा कर प्रिंसिपल, जो भी आपने कॉलेज या स्कूल लास्ट अटेंड किया होगा, जो फ़ोटोग्राफ है वो आपने फॉर्म पर ग्लू से चिपकानी है, स्टेपल पिन से नहीं। उसके बाद 5th नंबर पे रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स आपने साथ में लगाना है, ओरिजिनल आपने लेके आना है और साथ साथ में अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ भी। उसके बाद 6th पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स क्लेम करेंगे रिजर्वेशन के लिए वो सर्टिफिकेट उसका लेकर आएँ। GNDU प्रोस्पेक्टस में आपको बताया गया है कि सर्टिफिकेट्स कैसे होंगे। उसके बाद 7th पॉइंट में बताया गया है कि जो भी आपने लास्ट स्टडी अगर GNDU यूनिवर्सिटी के अलावा किसी दूसरे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से की है तो आपने एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है 1 मंथ के अंदर अंदर एज़ पर यूनिवर्सिटी रूल्स। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी को लेकर। GNDU से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू।